नमोऽवदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीते प्रिय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद स्तोत्र सत्यश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्या हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपना परिकरों के साथ में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए जा रहे थे, कैसे सब भक्तों को उन्हें उत्साहित करने के लिए सबको चंदन लगा रहे, जैसे हम लोग चंदन लगाते हैं, गले में फूलों की माला पहनाते हैं, महाप्रभु सबको फूलों की माला और चंदन लगा रहे थे। अगर महाप्रभु स्वयं लगाएगी, भगवान स्वयं अगर लगाए तो कितना आनंद नहीं होगा है। जैसे हम कोई घर में कोई काम, जैसे मंदिर में कोई काम करते हैं, अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो हमारे लिए कोई अच्छी शब्द दो चार बोल दे, आप कितने बढ़िया काम किए हो, कितने सुंदर सेवा कर रहे, जब उत्साहित देते हैं क्या होता है उसमें हमारे मन में और भी आनंद आ जाता है। अरे हमें आशीर्वाद दिया है, हमारी गुरुजनों ने हमें प्रशंसा की, उस समय हमारा जो भावना है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है, सोचते हैं हम और अच्छे तरह से ठाकुर जी का हम सेवा करें। इसलिए जब महाप्रभु जी सारे भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के मतलब कीर्तन या गणित तिल माल चंदन स्वरूप श्रीवास जाह मुख्य द्विजन चारी संप्रदाय हैला चबीस गायन दुई दुई मृदंग करी हाईला अष्टजन। महाप्रभु ने बांट दिया, महाप्रभु ने क्या किया बोले स्वरूप दामोदर अर्षी श्रीवास पंडित हैं, कहते ये जो दो दो व्यक्ति है, कहते स्वरूप दामोदर कौन है, कहते कृष्ण लीला में ये ललिता सखी, कहते श्रीवास पंडित कौन है बोलो नारद जी, ये नारद जी और ये ललिता सखी है, कहते ये दो मुख्य व्यक्ति हैं, कहते स्वरूप श्रीवास जहाँ कोई जा, कहते चार संप्रदाय वाला छब्बीस गायन, उन्होंने चार संप्रदाय अलग अलग पार्टी टोली उन्होंने बना दिया, बना करके उन्होंने कितना व्यक्ति हो गए गाने वाले, बोले छब्बीस लोग हो गए गाने वाले, छब्बीस हो गए हैं, छब्बीस लोग हो गए 24 हैं, छब्बीस, इसलिए उन्होंने छत्री के आठ आठ छः चौक छब्बीस, इसमें छः 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 लोगों को बांट दिया हो गए, छब्बीस लोग हो गए। और कहते हर पार्टियों में कहते दो दो मृदंग, दो दो मृदंग हर पार्टियों में दो दो मृदंग,
इतने में महाप्रभु ने तब उन्होंने महाप्रभु बांध दिया, बोले नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वर चारिजन ने आज्ञा दिला नृत्य करिवारे। जैसे हम लोग यहाँ कीर्तन होता है ना, कीर्तन में कुछ भक्त लोग नाचते हैं, कुछ लोग मृदंग बजाते हैं, कुछ करताल बजाते हैं, जैसे कहते उसी तरह उन्होंने कहते जो चार उन्होंने संप्रदाय मतलब पार्टी बनाए, उन्होंने हर पार्टी में एक एक व्यक्ति को बोले बोले तुम्हारी काम है नाचना। बोले कौन नाच रहे हैं? बोले देखो यहाँ पर नाचने वाले नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन? श्री बलदेव प्रभु। कहते श्री अद्वैत आचार्य कौन? ये सदाशिव स्वयं शंकर जी हैं। शंकर जी जो है जो जो पंचमुख राम नाम दान दिग्वरारी, और ये शंकर जी इनका जो नृत्य है तांडव नृत्य नाचने वाले, इसलिए उनको एक पार्टी में बोले तुम नाचना। फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर को लिए कौन? पितामह ब्रह्मा जी। फिर श्री बक्रेश्वर पंडित। कहते चार जन को उन्होंने आज्ञा दिया है। बोले क्या आज्ञा दिया? बोले जो चार पार्टी में तुम चार नृत्य करना है, चार के चार नृत्य करना। कहते प्रथम संप्रदाय कैला स्वरूप प्रधान आर पंच जन दिल तार परिपाली गान। कहते जो पहला संप्रदाय में उनको जो मेन जो बनाया है, उनका मेन जो बनाया वो पार्टी के श्री स्वरूप दामोदर मतलब श्री ललिता सखी है, श्री ललिता सखी। कहते इस संप्रदाय के तो है हो, और जो पांच है तुम्हारी अनुगत्य में ये पांच को पांच रहेंगे। क्योंकि आप देखना कोई भी काम हो अगर उसमें कोई लीडर नहीं हो ना, फिर तो उसको कोई लीडिंग नहीं करेगा तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए हर चीज में जैसे घर में मुखिया कौन है? पिताजी है। मुखिया कौन है? पिताजी। अगर घर में पिताजी नहीं रहे फिर बेटा एक तरफ भी जाएगा, बहू एक तरफ भी जाएगा, बेटी एक तरफ भी जाएगा, नाती एक तरफ में, बीवी एक तरफ में, पांचों पांच दिशा में चलेंगे। लेकिन घर में अगर कोई मुखिया व्यक्ति हो ना, बस उनको डर से अगर थोड़ी कोई गड़बड़ तुमने सब काम क्यों किया, जगह तो साफ नहीं किया, अब तक रोसी गंदा पड़ा हुआ, सब्जी नहीं लाए, अगर कोई घर में मेन व्यक्ति होगा ना फिर देखना वो घर अच्छे तरह से, वो घर ठीक से चलेगा। अगर कोई घर में मेन नहीं होगा बस सब गड़बड़ी सड़बड़ी चले। इसलिए कहते एक व्यक्ति को उन्होंने बनाया, बोले ये पार्टी का लीडर श्री स्वर्ग दामोदर, और ये स्वर्ग दामोदर के अधीन में और जो पांच जो भक्त है ये सबके सब क्या करेंगे, उसको पीछे पीछे, जैसे हम लोग पहले एक भजन गाते हैं उसको पीछे गाते हैं सब के सब, एक पहले गाएगा उसके बाद में पीछे व्यक्ति गाएंगे। बोले दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद। कहते उसमें ये सब दामोदर नारायण दत्त राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद जो पांच व्यक्तियों को दिया, बोले इसमें तुम लोग इनके पीछे पीछे सब गाओ और ये तुम्हारी पार्टी है। बोले अद्वैत नृत्य करिवार आज्ञा दिल श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय कैल। तो उनने और एक संप्रदाय किया है जिसमें श्री श्रीवास पंडित और जिसमें श्री अद्वैत आचार्य को बोले उसमें ये पार्टी में तुम नृत्य करने वाले, तुम है नृत्य करने वाले, और उसका जो मेन लीडर है श्रीवास पंडित कौन? नारद है। आज जिसमें नारद हो खुद नाचने वाले गाने वाले, इसलिए इसका लीडर तुम हो, इसको पार्टी को नारद जी कंट्रोल करेंगे। कहते उसमें कौन कौन, फिर उसमें कौन कौन आए? बोले गंगा दास हरिदास श्रीमान शुभानंद और श्रीराम पंडित। कहते ये पांच व्यक्ति हैं, ये पांच व्यक्ति उसमें, फिर श्री नित्यानंद प्रभु है, फिर वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहाँ गाए मुकुंद प्रधान कैल आर संप्रदाय। दूसरे संप्रदाय में ये मुकुंद को प्रधान कर दिए और जिसमें दूसरे दूसरे भक्त लोग रहे। और बोले श्रीकांत बल्लभ सेन आर दुई जन हरिदास ठाकुर ताह करे नृत्य। ये एक पार्टी हो गए और जिसमें नृत्य कर रहे श्री हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा स्वयं नृत्य कर रहे हैं। बोले गोविंद घोष प्रधान कैल आर संप्रदाय, और एक संप्रदाय बनाया जिसमें ये गोविंद घोष को उन्हें लीडर बना दिया, जिसमें श्री हरिदास विष्णुदास जाघव जहाँ गाये माधव वासुदेव घोष दुई महोदय
नृत्य करने कहा पंडित वक्रेश्वर की, जो तीसरे पार्टी में उन्होंने श्री वक्रेश्वर को बोले तुम इसमें नाचने वाले, तुम श्री वक्रेश्वर पंडित। बोले कुलीन ग्राम रे एक कीर्तनीय समाज, तहा नृत्य कर रामा रामानंद सत्यराज। और ये कुलीन ग्राम है, एक गांव में जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है, हम सब भक्त लोग जाते हैं, जैसे बड़ोतरी एक पार्टी है और एक पार्टी कहाँ से नोएडा में, जैसे हमारे एक पार्टी नोएडा पुलिस गया से गए, और एक पार्टी कहाँ से गए जनकपुरी से एक पार्टी गए हैं, और एक पार्टी स्वर्ग कहाँ से एक पार्टी गए, जैसे हमारे जहाँ जहाँ, और एक पार्टी गड़ी गड़ी से एक पार्टी गए, और एक पार्टी कहाँ से फरीदाबाद से गए, और एक पार्टी पहाड़गंज वाले, और एक पार्टी हैं खोड़े से। इसलिए जैसे अलग अलग जगह पर जैसे हमारे प्रचार है, सब अलग अलग जगह से सब भक्त लोग जाते ही हैं अलग अलग जगह से। उसी तरह महाप्रभु रहते समय सबके सब अलग अलग जगह से भक्त लोग आए, तो बोले देखो ये बड़ों की पार्टी है, इसमें लीडर श्यामानंद प्रभु लीडर है, और दूसरे और एक कहाँ से नोएडा से, बोले श्रीकांत प्रभु इसमें लीडर है, लीडिंग करें, हाँ जीत प्रभु लीडिंग करेंगे इसमें। और एक गए कहाँ से हैं, कहते गड़ी से गए, बोले इसका लीडर संजय प्रभु जी है, हैं। इसलिए जैसे होता है ना अलग अलग जगह से, जो उसमें जो मेन व्यक्ति को कहते भैया ये काम तुम करना और ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, देखना वो काम बढ़िया से होता है, हाँ बगैर लीडर के कोई काम होता ही नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सबको उन्होंने अलग अलग पार्टी कर दिया। तो मैं आज ऊपर वाला ना जगन्नाथ मिशन की छपाई है, जगन्नाथ के उनके प्रकट है ले जगन्नाथ बड़ी करी जगन्नाथ मिशन आज से हम ओडिशा लोग जगन्नाथ मिशन की छपाई। इसलिए कहते और एक पार्टी शांतिपुर से आने वाले अद्वैत आचार्य जी गांव से, इसलिए जिसमें अच्युतानंद और सब लोग गा रहे थे, और एक जगह से आए, बोले कहाँ से, बोले श्रीखंड से, एक स्थान है श्रीखंड है, कहते वहाँ से और एक कीर्तन पार्टी आए जिसमें नरहरि नाचे और श्री रघुनंदन हैं, कहते जिसमें ये रघुनंदन और मुकुंद आदि सब एक एक वहाँ भी एक पार्टी आए वहाँ से, कहते वो अलग अलग जगह से हर पार्टी को अलग अलग बना दिया, तुम्हारी ये पार्टी अपना पार्टी का लीडर करना, लीड करना और नृत्य कीर्तन करना। इसलिए बोले जगन्नाथ आगे चारी संप्रदाय गाए, दुई पाछे एक संप्रदाय, सात संप्रदाय बाजे चौदह मादल, जार ध्वनि सुनी वैष्णव हैल पागल। देखो कहते वहाँ कितना पार्टी बने, बोले सात पार्टी बने रथ यात्रा में, तो कोई तुम लोग गए नहीं ना, कोई नहीं रथ यात्रा में है, बड़ोद में तो छोटी सी गली है, वहाँ पर तो जो रोड है ना बहुत बड़ा रोड है, बहुत बड़े रोड है, और रथ कितना बड़ा होगा है रथ होगा, ऐसे वहाँ से लेकर हमारे तो रथ छोटा है आठ जिसमें पहिया, वहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा रथ, वहाँ तक होगा रथ, एक 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 रथ है, इतने बड़े बड़े रथ है वहाँ से, पूरा ये मंदिर जितना बड़ा उतना बड़ा पूरा रथ है इतना बड़ा, और सामने चार दल हो गया सामने, और एक दल हो गया एक साइड में, और दूसरे दल हो गया दूसरे साइड में, और एक दल हो गया पीछे, कितना हो गया चार पाँच छः और सात, सात संप्रदाय, चार सात पूरा, मानो जगन्नाथ का जो रथ है ना चारी तरफ में घेर गए, सब चार तरफ में घेर करके, और एक एक जो कीर्तन पार्टी में दो मृदंग, तब सात पार्टी में कितना हो गया चौदह मृदंग हो गया है, उसमें चौदह मृदंग हो गया है। अब देखना जब हमारी एक मृदंग बजती है ना, मृदंग का आवाज सुनना, एक मृदंग सबको नचा देता है, एक मृदंग बजे तो, और जिसमें चौदह मृदंग बजेगा, अगर एक साथ में या चौदह मृदंग बजेगा तो छत फट जाएगा, उठ जाएगा। इसलिए कि जिस समय ये मृदंग बजती है, अब देखना जैसे हम कीर्तन करते हैं मृदंग का तल बजा करके, एक मृदंग बजते ही हमारे जो गगन प्रभु नाचना शुरू कर देते हैं, सबको 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 फैल कर देते हैं हमारे गगन प्रभु, सबके सामने बड़े सुंदर नृत्य करते हैं। इसलिए ये मृदंग सुन करके क्या हो रहा है, सबका हृदय जब मृदंग बजती
सबका हृदय भी, कहते हमारे पुरुष लोग भी नाचते हैं, इधर माताएं भी एक पार्टी मना देते हैं, हैं? ये लोग भी नाचने लग जाते हैं कीर्तन में। इसलिए वैष्णव लोग मृदंग को सुनकर उनका जो दिल है ना प्रसन्न हो जाता है, दिल इनका प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं बोले वैष्णव मेघ हटाए हैल बादल, कीर्तनानंद सब बरसे नेत्र जल। उदाहरण देते हैं कहते जब मृदंग बजी सब वैष्णव लोग क्या हो गया, कहते आकाश में जैसे मेघ छा जाती है और मेघ छा कर जैसे रिमझिम बारिश होती है, कहते यहाँ पर बारिश ही क्या हो रहा था, बोले सबका जो हृदय प्रेम में द्रवीभूत हो रहा था, द्रवीभूत होकर उनका आंखों से जब ये आंसू बह रहे थे, मानो यही ये प्रेम रूपी जो वर्षा है वैष्णव का आंखों से जो आंसू प्रवाहित हो रही थी, यही वर्षा है बारिश है। बोले त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन ध्वनि, अन्य बाधा धीरे ध्वनि किचो ही ना सुन। आप देखना जो मृदंग बजती है ना, जब ये मृदंग बजती है और कोई अगर बाजा उसको सामने बजे, उसके साथ में उसके सामने एकदम धीमी हो जाता है, उसको आवाज नहीं आती। और जहाँ पर 14 मृदंग बज रहा है, भक्त लोग गा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जो भक्त गा रहे हैं, उसके सामने सब फीकी पड़ जाती है, सब आवाज उसको नीचे आ जाते हैं। बोले सात टाइम बोले प्रभु हरी हरि बोली, जय जगन्नाथ बोले न हस्त तुली। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु हर संप्रदाय में सात दल हो गया है, सात दल हो गया तो, लेकिन हर दल क्या चाहते, महाप्रभु हमारे साथ में रहे, महाप्रभु हमारे साथ में रहे, कोई बड़े व्यक्ति रहे, देखना उसमें कितने और भी जोश आता जाती है, ज्यादा जोश आ जाते हैं। इसलिए महाप्रभु क्या था, इस पार्टी में थोड़ी समय, उसी पार्टी में थोड़ी समय, उसी पार्टी में हर पार्टियों में महाप्रभु चले जाते हैं और उनको देख करके सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु ने एक और एक सुंदर लीला की। बोले क्या लीला की, बोले आर एक शक्ति प्रभु करीला प्रकाश, एक काले साधाई करीला विलास, सब कहे प्रभु अच्छे न मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नहीं जा जाना अमार दयाए। यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु एक अद्भुत लीला प्रकाश किया, जैसे सात पार्टियों में महाप्रभु एक साथ में सात पार्टियों में उपस्थित हो गए, मतलब ये पार्टी देख रहे हैं हमारे साथ में प्रभु, दूसरे पार्टी देख रहे हैं हमारे साथ में, तीसरे ये सबके सब देख रहे थे जैसे चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ में ही है, सबके सब हमारे साथ में ही कहते हैं। लेकिन इस चीज को सब नहीं देख सकते थे, हैं? कहते इसको कौन देख सकता था, बोले महाप्रभु का जो विशेष विशेष भक्त थे, कहते वो लोग देख रहे थे महाप्रभु कैसे सब कस जगह पर। बोले यहाँ पर कहते भैया वो विशेष विशेष भक्त कौन है जो देख रहे थे महाप्रभु सबको दल में, महाप्रभु निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरि बोल सब दल में हैं। कहते हैं जिसको देख करके, देखने वाले कौन जगन्नाथ, उनको सामने नृत्य कर रहे हैं भक्त लोग, हैं भक्त लोग जिसको देख करके साक्षात जगन्नाथ बड़े प्रसन्न हो रहे, क्योंकि स्वयं महाप्रभु राधा भाग में विभावित तो होकर नृत्य कर रहे हैं। जगन्नाथ जी के सामने अगर राधा रानी नृत्य करके कितना खुश हुए, और इसमें बलदेव प्रभु नृत्य कर रहे हैं, स्वर्ग दामोदर ललिता सखी है, स्वयं ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, स्वयं नारद जी नाच रहे हैं, ये सारे भक्त लोग जितने सखा सखी सब मिलित होकर के जय जगन्नाथ महाप्रभु की, जोर से बोलो, सब सो रहे हैं, बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, सबके सब जय जयकार कर रहे थे। और जिनकी नृत्य को देख करके स्वयं जगन्नाथ जी स्तंभित हो जाते थे, और जैसे कोई बढ़िया चीज होता ना, हम जैसे आंख फाड़ फाड़ कर देखते खड़े होकर के, जगन्नाथ भी इनके नृत्य को देख करके एक जगह पर खड़े हो जाते, चलते नहीं, एक जगह पर खड़े हो जाते, खड़े होकर के इनके नृत्य कीर्तन को स्वयं जगन्नाथ जी दर्शन करते थे। हैं अभी श्री प्रताप रुद्र हैं जिसको देख करके बड़े आश्चर्य होंगे, क्या देख करके, कैसे महाप्रभु हर दल में कैसे एक एक अलग स्वरूप, उन्होंने देखा इसी दल में महाप्रभु, इसी दल में, उसी दल में, इसी दल में, उन्होंने हर दल में उन्होंने दर्शन किया। इतने में
कासे मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा, कासे मिश्र कहे तुम्हारा भाग्य नाही सीमा। केवल तो उन्होंने ये प्रताप रुद्र महाराज को दर्शन दिए, प्रताप को देख कर काशी मिश्र को बोले, काशी मिश्र कौन है? क्या तुम महाप्रभु गंभीरा है ना, जिसमें महाप्रभु 18 साल तक थे, वो काशी मिश्र भवन है। कहते कृष्ण लीला में कौन थे? बोले कुब्जा। कौन थे? कुब्जा। कुब्जा ने क्या की? कृष्ण जब मथुरा गए हैं, जब मथुरा गए वो तीन जगह से टेढ़ी थी, लेकिन जब ठाकुर जी को सुंदर चंदन लगा दिया सखाओं को, बस इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया तेरे को बोले लेना सीखा तो देना सीखा नहीं। बोले क्यों? बोले देख ये तीन जगह से टेढ़ी है। बोले भैया आपको जोड़ी बड़ी प्यारी, मैं भी टेढ़ा है भी टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी तो जोड़ी बड़ी प्यारी बढ़ रहा है। बोले प्रभु जी इतने सुंदर सखाओं को हम लोगों को सुंदर तिलक लगा, इसको सीधी कर दी, बस हमने पूरा प्लास्टर की सर्जरी कर दिया है, पूरा एक चरण में एक चरण दबाए, एक कमर में और एक उनको होठ में हाथ लगा करके एक झटका मारे ना झटका हुए सीधा। ए इतने सुंदरी प्रभु का हाथ स्पर्श होते इतनी सुंदरी उसने बन गई, अपना रूप को देख करके उसने स्वयं पागली नहीं हो गई, क्या सुंदर रूप उनकी। इतने में कृष्ण की दोपटा को पकड़ ली, बोले कृष्ण तुमने ये सुंदरता दी, तुम ही इसको भोग कर सकते हो। बोले अभी नहीं, कल से मामा को उधार करके फिर तेरे पास में आऊंगा है। इसलिए जैसे कुब्जा क्या की कृष्ण को लेकर के अपना घर में चली गई, उसी तरह काशी मिश्र क्या किया, महाप्रभु जब आए ना बास महाप्रभु लेकर कंदिरा ने उन्होंने अपना घर में लेकर के उनको घर में ले गई। इसलिए जब उन्होंने काशी मिश्र को बोले हैं, काशी मिश्र को बोले, इतने में काशी मिश्र बोले तुम बड़े सौभाग्यवान हो, ये लीला को सब नहीं देख रहे, बोले तू ही देख रहे हो हर पार्टी में श्री चैतन्य महाप्रभु। बोले उन्होंने क्यों दर्शन दिया, कारण है क्या? बोले कारण है मंदिर में झाड़ू लगा, क्या कर रहे थे वहां प्रताप रुद्र क्या कर रहे थे? तो उत्तम हैया करे अधम सेवन, कहां राजा और कहां अधम सेवन, कहां हैं झाड़ूदार जो काम करते हैं भगवान के लिए झाड़ूदार का काम कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, केवल इसी वजह से उन्होंने उनको दर्शन और भक्तों का सेवा कर रहे थे। इसलिए जो व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगाते हैं ठाकुर दर्शन देंगे आपको, ठाकुर एक दिन आपको जितना मंदिर जो जितने साफ कर रहे हो, मंदिर नहीं अपना दिल को साफ कर रहे हो, मंदिर भगवान के मंदिर में जो जितने मंदिर पर होता मंदिर साफ करते हैं उसका दिल उतना जल्दी साफ हो जाता है। इसलिए हमारे गुरु जी के मंदिर में भले ही जो जितने लिखे पड़े जो कुछ क्यों नहीं हो, जब पहले आएंगे बोले मंदिर साफ कर, ये मंदिर को साफ कर, जो जो मंदिर है क्या है कहते राधा रानी के निकुंज मंदिर है, इसको साफ करना मतलब राधा रानी के निकुंज को साफ कर रहे, जिसमें श्री भगवान आकर के बैठेंगे। हृदय साफ नहीं होगा तो ठाकुर आकर के भी बैठेंगे नहीं, इसलिए हम मंदिर साफ नहीं करते, इसको साफ कर रहे हैं राधा रानी के निकुंज मंदिर और अपना हृदय को साफ करते हैं। इसलिए केवल इसी कारण से महाप्रभु को दर्शन दिए, केवल इसी कारण से दर्शन दिए। इसलिए भगवत मंदिर साफ करना कोई साधारण बात नहीं, हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए फिर से सार्वभौम संगे हाँ महाप्रभु राजा सार्वभौम को बोल रहे, बोले मैं क्या देख रहा हूँ, महाप्रभु सब दल में नाचनाच कर रहे, सब दल में नृत्य कर रहे हैं। इतने में श्री सार्वभौम भी बोले देखो तेरे ऊपर महाप्रभु का कृपा है, ये महाप्रभु का जो चोरी चैतन्य चोरी महाप्रभु जो छुप छुप करके नीला कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ठाकुर जी की तुम्हारे दर्शन तुम्हारे ऊपर में दर्शन किया है। बोले जा रे तारे कृपा से ही जानी वारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादि क जानी वारे नारे, राजा तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट है ल सही तो प्रसाद पाई ल रहस्य दर्शन तो क्या कह रहे। कहते भगवान जिसको कृपा करते हैं ना वही जान सकते हैं, सही जाने जा रहे देहु जाने। कहते अगर ब्रह्मा भी क्यों नहीं हो, अगर उनका भगवान अगर अपना लीलाओं को उसको पास ना प्रकाश नहीं कर बोले ब्रह्मा होने पर भी समझ नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति में कहते बोले जानंतु एव जानंतु जानाति तत्त्वम
भगवत महिमा चिरम एकापि चिरम विचिन्नम, भगवान कृपा से ही उनको प्राप्ति व दर्शन हो सकता है। अगर उनका कृपा नहीं हो चिरकाल उनको ध्यान कर कर उनको प्राप्त नहीं कर सकते हो। जिसको प्रेम का कृपा है वही उनको केवल वही उनको दर्शन कर सकते हैं। बोले क्यों उन्होंने दर्शन किया, बोले केवल उन्होंने झाड़ू लगाई। यहाँ पर कह रहे तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट है लमार, जो उन्हें दिख रहे थे बड़े तुच्छ सेवा को मेरे लिए क्या कर रहा है, झाड़ूदार बना है मेरे लिए हैं, इसलिए केवल इसको देख करके उन्होंने उनका ये रहस्य को दर्शन किया है। साक्षात ना दे देखा पर दया के बुझित पारे चैतन्य रमाय, कभी जो साक्षात नहीं करके ऐसे भगवान घुमा फिरा करके ऐसे कृपा करते हैं उसको दया को कौन समझ सकता है, हैं कौन समझ सकता है। बोले सार्वभौमता से मिश्र दुई महाशय, राजा रे प्रसाद देखी है ला विस्मय, यही मत लीला प्रभु कैला कथक अपने गाय नाचा निज भक्त गण। यदि ये चीज को राजा के ऊपर में ये कृपा को देख करके दो व्यक्ति बड़े खुश हो रहे थे, कौन श्री सार्वभौम राजा जी और काशी मिश्र, ये दोनों प्रसन्न हो रहे हैं। देखो इसको ऊपर महाप्रभु का कितने सुंदर कृपा हुआ है, जिसको महाप्रभु ने फिर क्या किया उन्होंने है क्या क्या उन्होंने सब भक्तों के बीच में महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। कभी एक मूर्ति का बुहान बहु मूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश है शक्ति, लीला वैसे प्रभु रनाही निजा अनुसंधान, इच्छा जान लीला शक्ति करे समाधान। महाप्रभु कैसे लीला कर रहे हैं, जब इच्छा होता है कभी महाप्रभु एक जो संप्रदाय में एक जो दल में कभी नृत्य करते हैं, लेकिन जब इच्छा होता है ना महाप्रभु सात दल के अंदर में अलग अलग होकर के महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते हैं, हैं कहते हैं ये, लेकिन महाप्रभु कभी एक कभी सात ऐसे कैसे हो जाते हैं, कहते हैं ये लीला वैसे प्रभु नाई निजान संधान। महाप्रभु लीला के अवैश में डूबे हुए हैं, लेकिन उनकी एक शक्ति जिसका नाम योग माया, कौन क्या है उनका एक योग माया लीला शक्ति। लीला शक्ति क्या करती है, बोले भगवान की इच्छाओं को समझ करके उनको सारे लीलाओं को समाधान करती है। जैसे जैसे कृष्णा जब मिट्टी खाए ना इस चीज को समझ जाओ अच्छे तरह से, जैसे कृष्णा मिट्टी खाए, जब मिट्टी खाए इतने में सताओं ने शिकायत कर दी, बोले मैया कान्हा ने मिट्टी खाई, अरे मैया तो डंडा लेकर के आ गई, बोले अब तो मक्खन खा रहा था चोरी चोरी मिट्टी खाने शुरू कर दिया, तो आए सीधा कान पकड़े पकड़े करे चूरे घर में क्या मक्खन मिश्री की कमी, दूसरे घर में चोरी करके खा रहे हो, तुमने क्यों मिट्टी खाई। कृष्ण बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब सका झूठ ले रहे, और तू बड़ी भोली वाली इनकी बात में आ जाती हो, हैं बोले क्यों, बोले ये सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मांगवा चोरी चोरी करके लाते हैं और मेरे को कहते तू खा, मैया तेरे को पता मैं चोरी का चीज खाता नहीं। मैया बोले मेरे को सब कुछ पता तू क्या करता नहीं करता, और मैंने खाया नहीं ये समझ गए, ये पीछे से चुगली कर देगा मैया से, फिर हम मैया हम पिटाई करेंगे, चोरी चोरी करके लड्डू कचौड़ी ले जाते हैं, फिर इसलिए मैं शिकायत करने से पहले ये मेरे नाम पर शिकायत कर दिया है, इसलिए मैया को तो बता, हर माता को ना अपना बच्चे का करतूत सबको पता, मेरे बेटा क्या खाता क्या करता नहीं करता सब माताओं को पता, पता रहता कि नहीं सब पता है। इसलिए इतने में तब इतने में कृष्ण ने सोचा अगर मैंने खाया तो मुंह में तो मिट्टी होगा तू देख ले, बोले देख देखा, कृष्ण सोच रहे थे शायद देखेगा नहीं, जब बोलूंगा तू देख ले देखेगा नहीं छोड़ देगी, लेकिन मैया कहाँ छोड़ने वाली, इतने में मैया धमकी थी मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ, जब बोले ना डर के मारे झट उसकी मुंह खुल गया, हे खुल गया तो इतने में कृष्ण क्या सोच रहे हैं, मुंह में तो मिट्टी लगा हुआ, अगर मैया मुंह में मिट्टी देख दिया ना, एक हाथ में कान एक हाथ में छड़ी डंडा, ये डंडा ये पीठ के ऊपर पड़ेगा नहीं, सब सब पीठ ऊपर पड़ेगा सबके सब डंडा, इतने में उनकी जो यहाँ पर कह रही उनका जो इच्छा शक्ति जो मैया क्या करती है, ये यही पर समझा रहे हो कृष्ण की क्या इच्छा है, मैया मेरे को मारे नहीं, कृष्ण की यही इच्छा है, लेकिन कृष्ण को मुंह में मिट्टी है, अब मैया मारने के लिए तो बैठी है तैयारी होकर, क्यों तुमने गड़बड़ की, लेकिन कृष्ण की इच्छा मैया मारे नहीं,
अभी इनकी इच्छा जान करके जो इनकी जोग माया इच्छा शक्ति, मतलब अगर मैं रहते हुए मेरी प्रभु अगर पीट गए तो फिर मेरे ऊपर तो दोष लग जाएगा, इतने में जोग माया इच्छा शक्ति इनके छोटे मुंह में ना मुंह जब खोले अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड गुरु ने उनको आत्मा का अंदर में दिखा दिया, विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया तो डर गई, बोले मैं क्या अलाई बलाई देख रही हूँ, हो ना हो मेरे बेटा भगवान के नहीं। फिर कृष्ण ने सोचा गड़बड़ी हो गया, बोले क्या गड़बड़ी हो गया, अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे घर में सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर बनाए और थोड़ी सी बतासा मिठाई भोग लगा देती है और घंटा हिला करके तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। जैसे भोग लगा करके मैं दरवाजा बंद कर देती है, मैया भी मेरे लिए एक छोटी सी मंदिर बनाएगी और बस थोड़ा दूध भोग लगा कर हमें भी बंद कर देगा, मैं जो सखाओं के साथ में खेलता कूदता लीला लीला हमारी खत्म बंद हो जाएगी। कृष्ण डर गए, जब डर गए जोग माया लगे गड़बड़ हो गया, प्रभु डर गए। इतने में कृष्ण ने जोग माया क्या की, सारे अंतर ध्यान कर दिए सबको उन्होंने लीला अंतर ध्यान, देखा वही छोटा सा। देखो यहाँ पर कहते लीला में से प्रभु नाई निजानुसंधान, महाप्रभु लीला में डूबे हुए, लेकिन कभी एक संप्रदाय में और कभी ये सातों संप्रदाय में अलग अलग दिखता है, लेकिन ये किसकी कृपा, ये जोग में। जब महाप्रभु चाहते सात संप्रदाय में प्रकट हो जा, इच्छा करते ही क्या कृष्ण महाप्रभु सात संप्रदाय में दिखते हैं, लेकिन जब इच्छा करते नहीं मैं एक संप्रदाय में दिखूं, फिर वो एक संप्रदाय में ही वो दिखते हैं एक संप्रदाय में। इसलिए पूर्व जैसे रासादी लीला कैल वृंदावनी और लौकिक लीला गौ न कैल खड़खणी, भक्तगण अनुभवे नाही जाने आर भागवत शास्त्र तहाते प्रमाण। यहाँ पर कह रहे हैं जैसे भगवान पहले क्या किया, जैसे रासलीला भगवान किया वृंदावन में, हर गोपियां देख रहे थे कृष्णा हमारे साथ में, कृष्णा हमारे साथ में, कृष्णा हमारे साथ में। राधा रानी क्या देख रही थी, लेकिन गोपियां क्या देख रही थी, हमारे साथ में हमारे साथ में, लेकिन हर गोपिया ये सोच रही थी कृष्ण हमारे साथ में साथ और को साथ में नहीं, लेकिन केवल राधा रानी क्या देख रही थी कृष्ण हमारे साथ में और कृष्ण सबको साथ में, बात इतने में राधा रानी की मान हो गए। इसलिए यहाँ पर जैसे रासलीला में हर गोपियां देख रही थी कृष्ण हमारे साथ में, यहाँ पर भी महाप्रभु भी ठीक, बोले कलयुग युग में जो संकीर्तन ही कलयुग में ये रास है। इसलिए कहते भक्तगण अनुभव नहीं जाने आन, कहते ये चीज को केवल भक्त लोग ही अनुभूति कर सकते हैं, ये चीज को और कोई नहीं जान सकता। इसका प्रमाण क्या, बोले भागवत में इसका प्रमाण है। ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु कहते ऐ मत महाप्रभु करे नृतरंगे भाषाइल सब लोग प्रेम तरंगे। महाप्रभु ऐसे ही सबको प्रेम रस में सबको उन्होंने महाप्रभु ने सबको डुबो दिया। बोले ए मत हैल कृष्ण रथे आरोहण तार आगे प्रभु नाचाइल भक्तगण आगे गुण जगन्नाथे गुंडीचा गमन तार आगे प्रभु जय छे करिला नर्तन ए मत कीर्तन प्रभु करिला तत्क्षण आपने उद्योग नाचाइल भक्तगण। महा ऐसे ही करते करते जगन्नाथ जी क्या कर रथ गोपन जगन्नाथ जी धीरे धीरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र सबके सब रथ गोपन में सबके सब चले गए और उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी कहाँ चल रहे हैं गुंडीचा मंदिर में, धीरे धीरे गुंडीचा मंदिर में चल रहे हैं और सारे भक्त लोग कीर्तन करते करते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
महाप्रभु ऐसे नृत्य कीर्तन करते करते जा रहे थे। अभी चार पार्टी है, अलग अलग कीर्तन। महाप्रभु को इच्छा हुआ ये सात पार्टियों को एक पार्टी कर देते हैं, और जितने सब के सब कीर्तन करने वाले बाजने वाले हैं सब इकट्ठे होकर के एक साथ में नृत्य करते हैं। जब सब पार्टी एक साथ में मिल जाएंगे, चौदह मृदंग होगा, और गाने वाले सात पार्टी का अलग अलग सात गायक हो जाएंगे, और दोहार देने वाले, फिर कितना आनंद आएगा। हे महाप्रभु, सब भक्तों को उन्होंने एकत्रित कर लिया, और महाप्रभु क्या किया, उन्हें स्वरूप संग दिले यही नव जाए, फिर स्वरूप दामोदर को साथ में ये नौ व्यक्तियों को दिए दे करके मेरे सब के सब महाप्रभु का साथ में सब मिलकर के कीर्तन कर रहे, गा रहे, दंड अवगत कर प्रभु दुई जोड़िए दुई हाथ और दम के स्तुति करे। देखी जगन्नाथ महाप्रभु क्या रहे थे, सामने जगन्नाथ जी रथ यात्रा आ रहा था, जगन्नाथ जी रथ आ रहे थे, जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए महाप्रभु क्या कर रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे। बोले क्या स्तुति गा रहे थे, बोले नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु बोले नमो ब्रह्मण देवाय, भगवान किसके देवता हैं, बोले ब्राह्मणों का देवता। बोले कि हमारे देवता नहीं, बोले हाँ भगवान सबका देवता है लेकिन विशेष करके ब्राह्मणों का देवता। बोले क्यों, बोले कौन सा ब्राह्मण, केवल जन्म से जो ब्राह्मण है, जो कर्म से ब्राह्मण है, और वास्तव ब्राह्मण कौन है। बोले जन्म नाम जाए तो शूद्र, बोले जन्म लेते ही सब शूद्र है। बोले संस्कारात द्विज उच्चते, जब संस्कार होता है द्विज बनता है। बोले वेद पाठे भवेत विप्र, जब ये वेद पाठ करता है वो विप्र बनता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जब वो भगवत वस्तु को भगवान को जान लेता है वो ब्राह्मण। इसलिए भगवान किसके भक्त हैं, कहते हैं इसे ब्राह्मण का, जो भगवान के भक्तों का देवता श्री भगवान। इसलिए बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, और जगत हिताय जगत का कल्याण करने वाले, इसलिए जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो कृष्ण गोविंद है जगत का कल्याण करने वाले, हम सबके सब प्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं। बोले जयति जयति देव देवकी नंदन असौ, जयति जयति कृष्ण वृष्णि वर्ष प्रदीप, जयति जयति मेघ श्याम कमलांग, जयति जयति पृथु भार नाश मुकुंद। महाप्रभु इसी श्लोक से महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे, हैं दंडवत करते हुए प्रणाम करते हुए उनको स्तुति करते हुए चल रहे ही। कहती ये कौन, बोले जयति जयति, यहाँ पर दो बार जय दिया हैं, बोले जगन्नाथ जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलदेव प्रभु की सुदर्श सुभद्रा देवी की। बोले ये कौन है, बोले देवकी नंदन असौ, बोले ये देवकी की बेटा है, हैं बोले देवकी की बेटा मतलब क्या है, हैं कहते कहते श्री वसुदेव से भी श्रेष्ठ देवकी। बोले क्यों, जिन्होंने मातृ गर्भ में भगवान के दर में विश्व ब्रह्मांड, लेकिन प्रभु जब आए किसकी गर्भ में आए, देवकी मातृ गर्भ में आए। बोले क्या देवकी और किसको गर्भ में नहीं आए, बोले हाँ यहाँ पर देवकी जसोदा के लिए भी हो सकता है। बोले क्यों, बोले भैया जसोदा की दो नाम थी, एक देवकी एक जसोदा, इसलिए यहाँ पर किसकी गर्भ में आए भगवान, बोले नंद गोप कुमार आय जसोदा के गर्भ में जन्म ग्रहण किए, देवकी गर्भ से प्रकट हुए हैं। इसलिए बोले नमो ब्रह्म जयति जयति देव देवकी नंदन असौ, जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप। ये कृष्ण कहाँ पर आए, कहते वृष्णि वंश में ही, हाँ मथुरा में वृष्णि वंश ने जैसे प्रदीप जैसे जलने पर सारे अंधकार को दूर कर देता है, महाप्रभु उसी वंश में जन्म ग्रहण करके सभी के अंधकार को उन्होंने दूर कर दिया।
बोले जयति जयति मेघ श्यामल कमलांग। भगवान के अंग कैसे है? बोले मेघ श्यामल। भगवान के अंग कैसे है? जैसे आकाश में जिसमें मेघ छा जाता है ना, भगवान के कमल अमल कमल दल लोचने तो नया मेघ जैसे भगवान के स्वरूप है। बोले भगवान के श्याम रंग क्यों है? बताओ किसलिए कौन बोले भगवान का रंग श्याम क्यों है? जो जो याद है वो भगवान की रंग काला क्यों है? काली राति में जन्म लिया, काली नाग में नथ डाला, इसलिए काला है। तो बता दे काला क्या, तो बता दे तेरा रंग काला क्यों? काला हो करके जगत उजाला है। हाँ, इसलिए कृष्ण काले क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं बोले प्रभु बोले जयति जयति मेघ श्याम कमलांग। भगवान का जो शरीर है काला रंग, उसका बहुत सारे कारण बताए। हाँ, जो कृष्णा शब्द में ना, जो कृष्णा कृष्णा मतलब सुंदर है, कहते काला रंग ऐसे एक रंग है। अब बहुत सारे रंग को मिला देखना, अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग मिला दो तो सब रंग का अपना लेता है, सब काला काला हो जाते हैं। अगर कृष्ण रंग में एक बार रंग जाए ना, बस चढ़ना दूजा रंग है। काले क्यामरिया के ऊपर में चढ़ना, उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। आपके ऊपर छोटी छिटापता लग गया तो सवेरे सवेरे 4 बजे आरती में चले आते, तो उसका रंग लग गया ना, है उसका रंग लग गया। जिसके ऊपर में ये रंग लग जाए फिर कोई रंग वहाँ काम नहीं करता, इसीलिए काला है। काला मतलब सुंदर भी होता है, लेकिन काला मतलब और इसलिए कृष्ण काले हैं। काले किस लिए? बोले कारण ही इसलिए काले हैं कृष्ण, जैसे कहते ब्लैक इज द नो कलर। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे भगवान काले क्यों? बोले जो काला रंग है उसको कोई कलर नहीं बताया गया, इसलिए जो भगवान इसलिए काले हैं। भगवान को साथ में कोई जगत का जो रूप है, भगवान का रूप तो साथ में किसको तुम बराबर नहीं कर सकते हो, हैं? उनको साथ में कोई रंग तुम बराबर नहीं कर सकते हो, इसलिए काले आकाश में कि मेघ क्या है? ये पानी, पानी जब इकट्ठा हो जाता है ना काला हो जाता है, इसलिए पानी का एक नाम कृपा। जैसे प्यास लग रहा है, बड़ी जेठ महीना धूप से आ रहे हो, छाती फट रहा है, लेकिन एक गिलास कोई पानी दे देना, अगर उसमें थोड़ी सी नींबू डाल दे, थोड़ी सी मिश्री डाल दे, फिर आनंद ही आनंद। कहते इसलिए मेघ को कहते कृपा, एक गिलास पानी पी लो प्यास लग रहा है, हृदय में जो तृप्ति मिलती है, अरे आनंद आ गया, तृप्ति हो गई है। इसलिए जो मेघ को कृपा कहता है, लेकिन वही जो पानी जब ये घनीभूत अवस्था धारण करता है ये मेघ होता है। इसलिए कृष्ण का रंग, इसलिए कृष्ण कौन है? बोले कृपा सिंधु। हाँ, मेघ मतलब कृपा, बोले कृपा की समुद्र भगवान है। इसलिए यहाँ पर कहते हे प्रभु मेघ श्यामल, मतलब आप बहुत दयालु, इसलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा की आप समुद्र हो। कहते वृष्णि वंश, कहते श्याम कोमलांग। भगवान की शरीर कैसे? मक्खन से भी ज्यादा कोमल ठाकुर जी का शरीर है। बोले जयति जयति पृथु भारनाश मुकुंद। कहते भगवान क्या कहते हैं? ये पृथ्वी का भार को भगवान नाश करते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युग युग। भगवान युग युग में अवतीर्ण होकर के दुष्ट को संघार और भक्तों को पालन करते हैं, इसलिए इनका नाम है मुकुंद। मुकुंद नाम क्यों है? कहते हैं उनकी जो हंसी है ना, है उनका जो मुस्कान, वो मतलब उनका जो मुस्कान। कुंद एक फूल होता है, कुंद फूल है, वो खिलने पर बड़े सुंदर दिखता है। कृष्ण का जो हंसते हैं ना, बड़ी सुंदर इनकी हंसी है, इसलिए नाम उनको कुंद पुष्प ईव, कुंद फूल जैसे इनकी हंसी। और दूसरा अर्थ है मुकुंद मतलब होता है मुक्ति सुखम कुत्सित्वा कृत्वा प्रेमानंदम प्रदाति। जो मुक्ति सुख को जो कुत्सित करके, हाँ कुत्सित मतलब उसको भी फैल करता है, मुक्ति सुख को जो एकदम फैल करके जो प्रेमानंद को प्रदान करते मुकुंद है। बोले तीसरा अर्थ क्या है? बोले जो मुक्ति ददाति जैसा है वह मुकुंद, जो जीव को भवसागर से
पार करा के प्रभु के चरण में जो पहुंचा देते, ये भगवान मुकुंद महाप्रभु बड़े सुंदर रूप में ये श्लोक से श्री जगन्नाथ जी को स्तुति कर रहे हैं। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बोले श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। निताई गौर ब्रह्मानंद दे वंशा दुर्भ कृपा सिंधु पत्ता नाम पावने भो वैष्णव भो नमः।